सुरीर कोतवाली क्षेत्र गांव टोटी गांव में राशन डीलर प्रसादी लाल द्वारा उपभोक्ता को सरकारी राशन न देने और राशन की कालाबाजारी करने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित उपभोक्ता ने 100 डायल पर फोन कर पुलिस बुला ली और डीलर द्वारा कालाबाजारी कर बेचे गए गेहूं 9 बोरा पुलिस को बरामद करा दिए। 100 डायल पर पुलिस ने कालाबाजारी के गेहूँ सहित डीलर को हिरासत में ले लिया है और आपूर्ति विभाग को सूचना दे दी। जानकारी के अनुसार टोटी गांव निवासी योगेश 3 दिन से डीलर प्रसादी लाल के यहाँ राशन के लिए चक्कर लगा रहा था। राशन डीलर द्वारा पेशी मशीन खराब होने का बहाना कर उसे गुमराह किया गया। जब योगेश ने इसका विरोध किया तो डीलर के बेटे द्वारा उसे मारपीट कर भगा दिया गया। कहाँ की रहने वाली हैं? टोटी गांव की। आपके यहाँ जो गेहूँ रखे हुए हैं या आपने कहाँ से लिए? रोचक पे ले। रोचक कौन है? डीलर जो प्रसादी है। टोटी गांव का डीलर है? तो आपने उससे कैसे गेहूँ लिए? मैंने तो पैसे दिए थे, वो नहीं गेहूँ चाहिए बोले का ठीक है। तो कितने कट्टे गेहूँ लिए थे आपने उससे? मतलब मैंने 4 कुंटल 9 कट्टे लिए थे। अच्छा, 9 कट्टे लिए थे आपने। तो उसने आपसे पैसे लिए थे? पैसे लिए। हाँ। कितने पैसे लिए थे आपसे? 7,500 रुपए दिए थे मैंने। 7,500 में आपने 9 कट्टे उससे खरीदे थे? हाँ। टेटी गांव के डीलर से? हाँ।